गलत इंग्लिश बोलते बोलते हम पहुंच चुके हैं बेतिगली बेराबेड़िया और यह है सर्वदीघी। सर्वदीघी से हम लोग जाने वाले हैं बोद्दिर बिल और यहां से बोद्दिर बिल की डिस्टेंस है लगभग 3 किलोमीटर और आप लोग घर से हमारे घर से बोद्दिर बिल की डिस्टेंस अराउंड 15 किलोमीटर होगा। और सिंपली बहुत दिनों के बाद बेसिकली हम लोग जा रहे हैं बोद्दिर बिल के अंदर और मैंने उठा लिया अमीरुल को और बाइक चलाने के लिए बोला है अमीरुल को क्योंकि मुझे वीडियो बनाना है। और आज हमारे साथ जा रहा है लगभग 5 बाइक और बेसिकली 10 बंदे। तो गाइस पूरा वीडियो आप लोग लास्ट तक देखना, बहुत मज़ा आने वाला है और ये हम लोग थोड़ा सा काट काट के डालने वाले हैं और लॉन्ग वीडियो जल्द आने वाला है। तो गाइस वीडियो में बने रहिए, पूरा वीडियो जल्द आएगा और एकदम क्वालिटी के साथ। तो गाइस ये वीडियो में जो आप लोग देख रहे हो मैंने से बेसिकली काट काट के लिया था जाने का और वहाँ पे कुछ इन्जॉय करने का। तो गाइस वीडियो पूरा देखना, आप लोग को बहुत मज़ा आने वाला है। तो गाइस लेट्स गो। और बोलते ही बोलते बारिश शुरू हो चुकी है। तो गाइस यहाँ पे लेट्स गो बोलते बोलते हमारे कैमरे के ऊपर बेसिकली बारिश की एक बूंद गिर के हमारा कैमरा पूरा ख़राब हो चुका है। हम लोग कैमरे को पोछ लेंगे, उसके लिए थोड़ा सा बेसिकली एक साइड पर दाराना पड़ा और हम लोग फिर से निकल चुके हैं। बेसिकली देख सकते हो कहाँ पे, ये है बोद्दिर बिल के गांव की तरफ और गांव के अंदर पहुँच चुके हैं हम। ये हम लोग बोद्दिर बिल के अंदर पहुँचने वाले हैं। तो गाइस यहाँ से हम लोग सीधा निकलने वाले हैं बोद्दिर बिल और वहीं पर इंजॉय करके आप लोगों को दिखाने वाले हैं। यहाँ पर टोटो स्टैंड भी लगा हुआ है, आप यहाँ पर टोटो भी बुक करके आ सकते हो, यहाँ पर टोटो भी अवेलेबल है। और आप जब भी बाइक लेके यहाँ पे आओ थोड़ा सा धीरे चलाना क्योंकि यहाँ का जो टोटो ड्राइवर और टर्निंग पॉइंट से बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है और बहुत ही बेसिकली अनहाइजीनिक तरीके से यहाँ पे लोग काट लेते हैं, इस वजह से आप लोग थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। और ये बोद्दिर बिल लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था। बेसिकली वेस्ट बंगाल का ऐसा कोई ब्लॉगर नहीं था जो गाइस यहाँ पे नहीं आया था। ये तो यहाँ का जो ब्लॉगर्स लोगों ने इतना ज़्यादा फेमस किया था इस जगह को, तो गाइस आपने सोच देखा होगा इतना ज़्यादा फेमस किया था। गाइस यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं, ये एकदम एंड पॉइंट है जहाँ पे बोद्दिर बिल का एंड पॉइंट। यहाँ पे थोड़ा सा चाय पियेंगे और मेरे बाकी के साथी जो गाइस अभी हम लोग पहुँचे हैं, बेसिकली 2 मिनट हुआ है, इतना ज़्यादा बेसिकली कीचड़ के अंदर से हम लोग पहुँचे हैं। तो गाइस थोड़ा सा चाय पी लेते हैं और बेसिकली यहाँ पे पोतिन थोड़ा सा सिगरेट खा रहा है और यहाँ पे बेसिकली कितने पानी के ऊपर गाइस से धावा बनाया गया है आप लोग देख सकते हो। और इस पॉइंट के अंदर धावा बनाना भी एक टास्क है जो गाइस ये अंकल ने बनाया है बेसिकली। और यहाँ पे बेसिकली शूट चल रहा है बेसिकली। तो गाइस यहाँ पे एक कुश्ती बाइक को बेसिकली हम लोग शूट के लिए यूज़ करने वाले हैं, थोड़ा सा इसको फोटो के लिए यूज़ करेंगे। और ये मेरी फ्रेंड का बाइक है बेसिकली और मैं थोड़ा सा बेसिकली दूसरी ओर घूमने निकला हूँ। तो गाइस यहाँ पे इतने लोगों की फ़ोटो अभी निकलने वाली है, मेरी फ़ोटो अभी निकल चुकी है। तो गाइस मैंने डीएसएलआर पर 2-3 फोटो ही निकाले थे, कुछ ज़्यादा नहीं। और बेसिकली आमिरुल के कैमरे में बहुत अच्छा बेसिकली फ़ोटो आता था, वहाँ पर बेसिकली मैंने 10 फोटो निकाले हैं आमिरुल के फ़ोन में और कैमरे पर लगभग 4-5-6 फोटो निकाले हैं। तो गाइस कैमरे पे फोटो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं, ब्लैक ब्लैक आ रहा है, पता नहीं कौन सा कैमरा लेके आए हैं, इतना ज़्यादा ब्लैक क्यों आ रहा है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मोबाइल कैमरा इतना ज़्यादा ब्लैक नहीं आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे देख सकते हो कितना कीचड़ है। ये रहा मैं और पाछे है बेसिकली साइड में है ईशानूर, साइड में ईशानूर है और ये रहा मैं। और बेसिकली यहाँ पर थोड़ा सा पोज मार लेता हूँ क्योंकि बेसिकली मैं थोड़ा साइड में आया हूँ बेसिकली पूरा व्यू को इन्जॉय करने के लिए, मुझे सिर्फ फ़ोटो नहीं खिंचाना, मुझे सब कुछ इन्जॉय करना है इस वजह से। और यहाँ पे बेसिकली आप लोग देख सकते हो चारों ओर से कोरा ही कोरा नहीं, बेसिकली चारों ओर बेसिकली सिंपली बोले तो पाट खेत और पाट खेत। तो गाइस यहाँ पे खेती हो चुकी है और इस खेती के बाद यहाँ पे पानी भरता है और बहुत ही ज़्यादा क्रश लगता है, यहाँ पर बहुत लोग घूमने आते हैं। और रात हो चुकी है देख सकते हो, हम लोग बेसिकली चांदनी रात में हम लोग निकले हैं घर की ओर। अभी हम लोग ढाबे पर रुकेंगे, आगे एक ढाबा है बेसिकली, और ये ढाबे पे रुकने के बाद ईशानूर और ये दोनों पोस्ट दे रहे। और यहाँ पे देख सकते हो मैं और बेसिकली यहाँ पे आमिरुल वीडियो निकल रहा है साइड का और ये ढाबा भी बेसिकली खेतों के ऊपर है। तो गाइस खेतों के ऊपर यहाँ पे 4 ढाबे है, 3 ढाबे है और तीनों के तीनों बड़े बड़े ढाबे है, छोटे मोटे ढाबे नहीं है। यहाँ पर आप आ सकते हो और यहाँ पर लिया है मैंने पकौड़ा, चिकन पकौड़ा लिया है और कुछ सिगरेट्स लिया है जो सिगरेट सेहत के लिए हानिकारक होते हैं, इसलिए मैं सिगरेट नहीं खाता पीता, वो लोग खाते हैं मेरे दोस्त लोग। और यहाँ पे बेसिकली मैंने ही मंगाया, तो गाइस मैं भी ट्राई करने वाला हूँ फर्स्ट ट्राई करूँगा, उसके बाद ये लोग ट्राई करेंगे चिकन पकौड़ा को। तो गाइस बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।